गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए शिवानी क्या पकड़े है हाथ में, खाना ले जा रही हूँ मैं नीचे। किसके लिए? भैया बैठे हैं, दीदी बैठी है, उनके लिए। हाँ, भैया और दीदी के लिए खाना ले जा रही है और मेरे लिए नहीं है खाना। कह रही है मामा जी तुम्हें खाना नहीं, आपके लिए है, बना रही है मम्मी। आप पूरी खाते नहीं हो। हाँ, ये मेरे लिए दाल बनी है। हाँ, दाल बनी है, फुल्की बनी है आपके लिए, आप पूरी खाते नहीं हो। अच्छा अच्छा, चलो देखता हूँ दाल और फुल्की कहाँ है, कौन कौन बना रहा है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दीदी बना रही है मेरी और बीच वाली भांजी सपना। ये पूड़ियाँ ज्यादा लाइक करते हैं, लेकिन मैंने तो अपने लिए दाल बनवाई है, मूंग की और रोटी। ये दाल बनी है आपके लिए, तो हाँ भाई के लिए दाल बनी है। अच्छा, दाल बनी है मेरे लिए। आप सब्जी खाते ना, ये आलू के। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए दाल बनाई है मैंने। बिल्कुल। आइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और इधर जीजा जी आ गए, गुड़िया को खिलाते खिलाते। इधर इधर लल्ली गुड़िया, हेलो। ठंडी नहीं लग रही है इसको, इतनी ठंडी में। गुलसर रुको, गुलसर इधर आओ। शर्माते नहीं है, लाइव कैमरे में। फ्रेंड्स देखिए, छोटा भांजा मेरा काफी अच्छा कॉमेडियन है, लेकिन कॉमेडी नहीं कर रहा है, शर्मा रहा है। किस चीज की शर्म आ रही है तुम्हें? कोई तो नहीं देख रहा, खाली मैं ही तो देख रहा हूँ तुम्हें। पूरी खत्म हो गई, आटा भी खत्म हो गया। आटा तो मैं लेने जा रही हूँ। अच्छा, शिवानी देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया है भांजी मेरी, सर्विंग का काम भी करती है और खाती भी जा रही है और इन आलसी जीवों को खिला भी रही है और परस भी रही है। ऐसे बच्चे होने चाहिए। अब कह रही है, उससे पहले वीडियो से पहले कह रहे थे मामा जी आपको ये पूड़ियाँ नहीं मिलेगी क्योंकि आपके लिए बनी है मूंग की दाल। और नाम रख दिया है मेरा, अंकित ने क्या रखा है? अंकित परेजी मामा। एक और वाला बताओ। ये देखो, शिवानी ने घर की सफाई भी की है, पोछा भी किया है, झाड़ू भी किया है। शिवानी सुबह से लगी है, अर्ली इन द मॉर्निंग में। और सपना ने खाना तैयार किया है दीदी की मदद से। और खुशबू सिर्फ खाना खा रही है और अपनी बेटी को खिलाती है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। छोटी सी गुड़िया को खिलाती रहेगी और खुद खाना खाती रहेगी। क्या कह रहे हो हर्षित? हर्षित को दर्द आ रहा है अपनी बड़ी दीदी खुशबू का। तो पूड़ियाँ आ गई बच्चों? अच्छा, और क्या क्या है? सब्जी है, रायता। अच्छा, रायता भी है। जिनके घर भगवान नौकरानी नहीं देते, उनके घर बहने दे देते हैं। अच्छा, काम करने के लिए 3-3 बहने अंकित की, सारा काम तैयार रेडी एकदम रहता है। अकेली परस्ती है। चलो खुशबू खाओ, कितनी खाओगी, खाती रहो। रात की पूरी परस दी है। रात की दो पूरी मिक्स करके लेके आ। ये देखिए छीना झपटी चल रही है, पूड़ियों की गिनती से मिल रही है। अंकित कहाँ जा रहे हो तुम, ये बताओ? भैया चला लेते ना मोटरसाइकिल में, चलूं? बुलेट है अंकित, बुलेट नहीं चला पाओगे। अंकित जल्दी आना, मोड़ के देखा जाना है, ठीक है? और धीरे चलाना, धीरे आराम से। बाग में जा रही है भैंसे, बाग में बदले ना। धीरे चलाना, जल्दी आना, लौट के डांट पड़ जाएगी अंकित। और फ्रेंड्स देखिए, हम अब चल दिए घर। संदीप हेलमेट लिए रेडी है और हर्षित कंप्लेन कर रहा है अपनी बहनों से, अपनी बुआ जी की लड़कियों की कंप्लेन कर रहा है। हर्षित क्या हुआ था मैटर, रात बता दो। हर्षित जब आया तो संदीप के तो हालचाल लिए बहनों ने और हर्षित के नहीं लिए, तो हर्षित अब कंप्लेन कर रहा है बुआ जी से। हर्षित क्या हुआ था, बात सच सच बताओ, क्या हुआ था? सबसे पहले पैर जाके इनके छू लिए। हाँ, और ये गई संदीप भैया, अरे संदीप भैया नमस्ते। अच्छा अच्छा, बाद में पूछा लला तू भी आया है? ये तो गलत है शिवानी। हर्षित ने पैर पहले छुए तो हर्षित को हालचाल लेना चाहिए था हर्षित के। बोल नहीं करी ना सचित का लग में पड़ेगा सचित कहाँ पड़ेगा। गरम पानी लाओ बेटा, पानी पिलाओ, एक गिलास पानी तो पिला दो जाते समय। शाबाश, थैंक यू वेरी मच। तो हर्षित का गुस्सा जायज है, हर्षित ने पैर छुए पहले तो उसी के हाल चाल लेने चाहिए थे। सचिन भैया आगे पीछे पीछे गई है। शिवानी दीदी, सपना दीदी तो कल तक सही है, लेकिन पैर छुए के हम इतना खाना पीना अच्छा बताओ तो सपना तुम्हारे पैर छूले, तुम्हें यही पता नहीं कब पैर छूले। सपना बेटा ध्यान रखा करो, ऐसे तो कोई भी पैर छू के निकल जाए। तो फ्रेंड्स अब बस समय आ गया निकलने का, और पैर छू ले दीदी के, जीजा जी के पैर छू लूं और विदा लेता हूँ। अंकित का जन्मदिन हो गया भाई, और जीजा जी इधर बैठे हमारे, बिजनेसमैन है, किसानी भी कर लेते हैं और रेडीमेड कपड़ों की दुकान भी है। और दुकान जब इनकी अच्छे से चलने लगेगी फिर इसमें प्रचार करूंगा मैं, क्या क्या सामान है दुकान पे, वीडियो में प्रचार किया करूंगा। किसी को ऑनलाइन चाहिए वो सुविधा भी चालू हो जाएगी धीरे धीरे। चलो बुलेट खाली करो हमारी, वो चलना है, उतरो बुलेट से, उतरो बच्चे। एक तो ये फ्रेंड जाने नहीं दे रहे हैं, 12:30 बज गए और जान उतर नहीं रहे गाड़ी से जो निकल रहे हैं। तो चलो उतरो, सचिन निकालो। अच्छा चलो चलो, तो फ्रेंड्स बस अब निकल रहे हैं भाई। और फ्रेंड्स देखिए हम घर जाते समय रुके हैं रास्ते में, हर्षित के फूफा जी की मटर है, देखो हर्षित के फूफा जी मटर दे रहे हैं तोड़ के। हर्षित दिखाना, फली चबाने योग्य कि वैसी है मुझे नहीं पता। हाँ, अब इसमें से दाना निकालो, शुद्ध देसी हर्बल प्रोडक्ट, बढ़िया। फ्रेंड्स देखिए कितनी बढ़िया मटर है, ये दिखा दूं आपको। ये भाई किसान का जीवन ही मस्त है, हल्की सी मेहनत तो है ही, लेकिन जीवन एकदम शुद्ध ताजा, शुद्ध हवाओं से भरा है, शुद्ध ताजगी से भरा है, और किसान स्वस्थ रहते हैं। और इधर देखिए फ्रेंड्स हमारे जीजा जी की बरसी बढ़िया लहलाती हुई, इसको गाय भैंस खाती है, हरी हरी बरसीम, और फिर बढ़िया विटामिन युक्त दूध देती है जिसको बच्चे पीते हैं। हर्षित क्यों गिर रहे हो तुम? किसान के बच्चे कहीं गिरते नहीं हैं। हर्षित बाबू मैट पे क्यों गिर रहे हो? तुम्हारे जितने बड़े थे ना हम, फावड़ा रख के कंधे पे और पापा के साथ पानी लगाते थे अपने पिताजी के साथ, और रात में पानी लगाया है हमने, और क्या पैसे बचाने के चक्कर में। सरकारी ट्यूबवेल फ्री थी, सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई फ्री थी, तो उस वक्त पिताजी हमारे पैसे बचाने के लिए रात में खेत में पानी लगाते थे, और साथ में मैं जाता था, पानी लगवाते थे पूरी रात। जो नाली होती थी ना उसी में खड़े रहते थे, क्योंकि नाली का पानी गर्म आता है, और बाहर जो ठंडक लगती तो सारी रात खेत में ही रहते थे, नाली में खड़े रहते थे। कईयों रात पानी लगाए, धीरे धीरे पढ़ते भी रहे, सफलता मिली, और आज इस स्थिति तक पहुँचे हैं। तो वही सारी चीज़ें हर्षित को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हर्षित क्या जाने किसान का जीवन, मैंने देखा है, मैंने की है किसानी, मुझे मालूम है कितनी मेहनत होती है। तो जीजा जी इजाज़त मिले फिर चला जाए। हाँ नमस्ते भैया। फ्रेंड्स देखिए ये किसान है हमारे, और रखवाली करने के लिए झोपड़ी बना रखी है, कर्म से बाजरे की ठठेरी है उससे, और चारपाई है, और भीषण सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में खेत की रखवाली करते हैं। इधर ये जो खेत है मटरा, इसकी रखवाली करने के लिए, और देखिए आराम से रहते हैं। सर्दी नहीं लगती है भैया? सर्दी लगे तो कहाँ जाएं? अच्छा हाँ। तो घर पे तो जगह होगी रहने के लिए? जगह घर पे है तो खा जाएंगे सब गैया। अच्छा, गाय खा जाएगी। हाँ, सुअर खा जाएंगे और ये समस्या खा जाएंगे। हाँ हाँ, और नील गाय का प्रकोप ज्यादा है यहाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, गाय तो कम आती है, नील गाय ज्यादा है। ज्यादा है नील गाय, गाय ज्यादा है। तो रात में सोते रहते हो या खेत में टॉर्च लगाते हो? लगा के। अच्छा, वाह भाई, धन्य है आपको, सैल्यूट करते हैं। बस निकलता है अब हम तो। हाँ ठीक है भैया, नमस्ते। हाँ फलिया खा ली आंटी जी, आपकी खाई है फलिया, अभी खाई है भाई। ना ना, ले लिए बच्चों ने, जेब में रख ली, जेब भर ली है बच्चों ने। अब फिर आएंगे जब ये पक जाएगी ना बढ़िया से, तब खाएंगे। चक्का जरूर लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आते रहेंगे। ठीक है भैया, नमस्ते।